झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र के ग्राम डेली में बंद कमरे में मृत अवस्था में पड़ा मिला रिटायर्ड बैंक अफसर का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना प्रथम दृष्टया हत्या की ओर इशारा कर रही है। जानकारी के मुताबिक रक्षा के ग्राम डेली हंसराज स्कूल के पीछे रहने वाले केनरा बैंक से रिटायर्ड अफसर शंकर लाल कुशवाहा के मकान से काफी दुर्गंध आ रही थी। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मकान के अंदर जाकर देखा तो शंकर लाल मृत अवस्था में कमरे के अंदर पड़े थे। बताया जा रहा है कि शंकर लाल अपनी दूसरी पत्नी के साथ यहां पर रहता था और उसके परिजन सीपी बाजार में रहते हैं। घटना से प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि हत्या की गई है। फिलहाल अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है, हत्या है या आत्महत्या। फिलहाल मौके पर पुलिस अफसर फोर्स के साथ तथा फॉरेंसिक टीम मौके पर पड़ताल कर रही है। झांसी जनपद में थाना रक्षा क्षेत्र अंतर्गत हंसराज स्कूल के पीछे कॉलोनी में एक एकांत में मकान बना हुआ है। इस मकान बाहर से ताला बंद था। इसके अंदर एक डेड बॉडी का सूचना सुबह पुलिस को दी गई थी। पुलिस पूरा फॉरेंसिक टीम बुलाकर और वीडियोग्राफी के साथ बाहर का जो ताला लगा हुआ था उसको तोड़ के अंदर जाके देखे थे। लगभग 3 या 4 दिन का पुराना डेड बॉडी लग रहा है जो 70 साल का है, जो रिटायर्ड एयर फोर्स पर्सनल है। और इनको डेड बॉडी देख के ही प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है। खुलासा के लिए दो अलग टीम गठन किया गया है। जल्दी खुलासा किया जाए।